कनाडा में रह रहे वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने एक बार फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। इसके साथ ही उसने ये भी खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है और मरवाने के पीछे क्या कारण है उसने ये भी बताया है। उसने कहा कि सलमान खान उसकी हिट लिस्ट में है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में वांटेड गोल्डी बराड़ ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें तमाम दावे उसने किए हैं। ये पहली बार नहीं है जब गैंगस्टर ने सलमान खान को मारने की बात कही। बता दें कि गोल्डी बराड़ ने कहा कि हम सलमान खान को मारेंगे, हम उसे जरूर मारेंगे। भाई साहब यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने उससे माफी मांगने को कहा था लेकिन उसने माफी नहीं मांगी तो उसे मारेंगे ही। बाबा ने दया की तो उसका अहंकार तोड़ेंगे। कुछ महीने पहले पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उसने कहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद सलमान खान को मारना है। इसको लेकर गोल्डी बराड़ ने कहा कि सलमान खान ने बिश्नोई समाज की बेइज्जती की है, काले हिरण का शिकार किया है। जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं, सिख समुदाय गुरु ग्रंथ को पवित्र मानते हैं, वैसे ही बिश्नोई समाज काले हिरण को मानता है। गोल्डी बराड़ ने आगे कहा कि यह केवल सलमान खान की बात नहीं है, हम जब तक जिंदा हैं अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ अपनी कोशिश जारी रखेंगे। सलमान खान हमारे टारगेट पर है, इसमें कोई शक नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे और जब हम सफल होंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहीं गोल्डी बराड़ ने सरेआम ये कबूल भी किया है कि मूसेवाला का मर्डर उसी ने कराया है। साथ ही गोल्डी बराड़ ने उस वजह का भी खुलासा किया जिसके कारण उसके गुर्गों ने मूसेवाला को गोलियों से भून दिया था। उसने बताया कि इस काम के पीछे कोई खास रीजन नहीं है, इसका मल्टी रीजन है। मूसेवाला अहंकारी था, बिगड़ा हुआ था, उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा था, पॉलिटिकल पावर भी था, पुलिस की पावर जरूरत से ज्यादा थी जिसका वो मिसयूज कर रहा था। ऐसे में उसे सबक सिखाना जरूरी था, उसको सबक सिखा दिया, बस इतनी सी बात है। मूसेवाला ने मेरे कुछ पर्सनल नुकसान किए हैं, वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा था जो माफी के लायक नहीं थी, उसे जो सजा देनी थी वो गैंग ने दे दी। गोल्डी बराड़ ने बताया कि मूसेवाला के खिलाफ उसे न्याय चाहिए था लेकिन वो कोर्ट और सरकार से उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए उसने खुद न्याय कर दिया। कुल मिलाकर गोल्डी बराड़ के इस बयान पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।